नमस्कार, मैं सुनील ठाकुर और स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ब्लॉक चंदेरी अंतर्गत ग्राम बड़ेरा में, और यहाँ पे नव निर्वाचित प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आज वहाँ पे पहुंचे हैं हम, और यहाँ पे हम प्रधान जी से हम बात करेंगे कि जिस तरह जो ग्रामीणों ने इनको चुना, इनको सरपंच बनाया है, इनके क्या मुद्दे, क्या विकास को लेकर क्या कुछ इनकी रणनीति ने तय की है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से ये विकास करेंगे और किस तरह से जो गाँव है गाँव को आगे तक लेके जाएंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बली सिंह लोधी जी। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सरपंच बनने में। आप सभी का धन्यवाद जी। उसको हटा लो। तो भाई साहब, किस तरह से आप लोगों जो ग्रामीण है उनने आपको जो आपको मत प्रदान किए और इतना सहयोग किया और आपको इतने भारी मतों से जिताया, क्या कुछ? मेरा यही है, समस्त जाति के समस्त लोगों ने एक तरफा वोटिंग की है मुझे, और उन्होंने अपना आशीर्वाद जो मुझे दिया है केवल एक ही बलबूते पे दिया है कि पिछले कई सालों से मेरे पिताजी भी यहाँ से पूर्व सरपंच रहे, उनका भी काम अच्छा रहा उसको देखते हुए। दूसरे, मैं प्रदेश में इस समय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश सदस्य भी हूँ, पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और मंडी डायरेक्टर हूँ। मंडी का जो चुनाव लड़ा था, समस्त पोलिंग बूथ विजय हुआ था, युवा और उसमें बुजुर्गों के वोट डलते हैं। तो मेरा एक ही मुद्दा है, जब जैसा गरीबों को सहायता की बात है, कोई हेडपम्प हो, लाइट हो, या कोई उन्हें परेशानी हो बेमौसम, शादी विवाह, मतलब किसी भी तरह की परेशानियों में हमेशा पिछले कई वर्षों से खड़ा हूँ उनके साथ और खड़ा रहूँगा। और मेरा यही मानना है कि आगामी ये 5 वर्ष मैं उनके लिए अपनी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहूं, और एक एक योजना जो आज चल रही है ऊपर केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से गरीब आदमी जो उन योजनाओं से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको एक एक लाभ दिलवाने की मैं वचनबद्ध हूं। सर, कितने मतों से आपने जीत हासिल की है? जीत के लिए तो अच्छी बात पूछी आपने, करीब यहाँ 2400 वोटिंग थी जिसमें करीब 2000 वोट पड़े, उसमें 1000 मत मुझे प्राप्त हुए और बाकी आधे में सारे प्रत्याशी रहे, तो 598 वोटों से मुझे आशीर्वाद मिला है और विजय हुआ हूँ। अच्छा, विकास की अब बात करें कि बहुत से लोगों ने आपसे उम्मीद लगाई हुई है कि हम सरपंच जी को हम चुनेंगे तो ये गांव के विकास के लिए काम करेंगे, तो क्या क्या आपने जो एजेंडा आपने जो बना रखा है कि क्या क्या विकास जो है आपने सोचा है कि क्या क्या करवाना है गाँव? विकास के दम पर ही मैं जीता हूँ। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि पिछले टाइम से भी मैं लगातार लोगों के काम करवा रहा हूँ, और आगामी मेरी सोच है कि ये जो चंदेरी तहसील में जिस तरीके से, शायद ज़िले में भी मैं टॉप पे आया हूँ, तहसील में तो हूँ, तो उसी तरीके से मैं टॉप पे लेके आऊँ गांव के काम करने में। मेरी पंचायत मैं चाहता हूँ कि एक नंबर पे रहे कार्य करने में, जैसे सीसी है, कोई पानी की दिक्कत है, कोई लाइट की दिक्कत है, मतलब किसी भी तरह की जो मेरे पावर में होता होगा और नहीं होता होगा तो मैं ऊपर ऐसा जुड़ा हूँ, माननीय सिंधिया जी का प्रतिनिधि रहा हूँ और अभी प्रदेश में बैठा हूँ, तो मैं कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पंचायत में लाने की कोशिश करूँगा, और मुझे विश्वास है कि मैं कर भी पाऊँगा कि मैं थोड़ा सा ऊपर अच्छे लोगों से जुड़ाव रखता हूँ। अच्छा, आपके गांव में कोई सबसे बड़ी कोई कमी के उसको ख़त्म किया जाना चाहिए होगी कि कोई कमी कोई दिखाई देती है आपको, जैसे पानी को लेके हो गई या टंकी को लेके हो गई, सार्वजनिक शौचालय को लेके हो गई, कोई शादी घरों को लेके हो गई? ऐसे मुद्दे तो हर पंचायत में, पर मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरे पंचायत की ज़मीन ज़्यादातर राजहाट डैम में जो डूब में चली गई है, तो यहाँ लोग निर्भूम हैं, तो मैं चाहूँगा कि आगामी कोई सरकार ऐसा अगर निकालती है तो उन्हें कुछ थोड़ी थोड़ी ज़मीन देने की कोशिश करूँगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो उनके रहने के लिए खुद की ज़मीन का एक टुकड़ा हो, ये मेरी कोशिश है। राजघाट डैम के जो लोग डैम बनाने आए थे बाहर से, मद्रास से लोग रहते हैं हमारे राजघाट पर, उनका खुद का बोर्ड में रहते हैं, बोर्ड की जो ज़मीन है बोर्ड रिजर्व वालों की, तो मेरी इच्छा है और मैं आज से ही दोनों हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि उन्हें कम से कम एक टुकड़ा ज़मीन का दिलवा पाऊं कि वो खुद का मकान और खुद की जमीन के टुकड़े में रहें। तो देखिए, प्रधान जी का है कि जहां तक उनका प्रयास है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है जिनके डूब क्षेत्र में चली गई है तो उनको प्रॉपर बराबर उनका उचित मुआवजा दिलाया जाए, और साथ ही के जो भूमिहीन है उनको जमीन दिलवाया जाए, तो उनका प्रयास है। तो और भी हम कुछ विकास के मुद्दों पर हम कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ और वो आगे विकास आने वाले समय में करवाने वाले हैं। तो बाकी जैसे पानी व्यवस्था की बात हो गई, तो पानी उचित पर्याप्त मात्रा में आपके गाँव में? पानी हमारे यहाँ है लेकिन कमी है, जैसे पीछे आप देखेंगे जाएंगे पहाड़ी है, वहाँ पानी की कमी है, वहाँ नलकूप लगे
नहीं है, पर ऊंचाई होने की वजह से पानी नहीं है। तो अभी जल नल योजना के तहत जो अशोकनगर में सबसे बड़ा, शायद तो पूरे भारत में नहीं तो मध्य प्रदेश में तो है ही, जो चल रहा है योजना का काम, उसके तहत पानी आ रहा है। और मेरी कोशिश है कि हर एक घर तक वो पाइपलाइन बिछ के पानी पहुँचे। दूसरा मेरा मुद्दा है, राजघाट डैम से लगा हुआ लोगों का रहना, रहवासी क्षेत्र है, तो आप देखें सांप बिच्छू मतलब किसी भी प्रकार की घटना होने की संभावना है। तो मैं फिर चाहूँगा कि 24 घंटे लाइट जो हमारी आई है, चंदेरी यहाँ पानी जाता है नल के लिए, तो वो लाइट देने की मेरी कोशिश रहेगी। प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि वो 24 घंटे लाइट दें, जिससे कि हमारे गांव के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सांप बिच्छू कीड़े डैम के पानी के बहाव में आके और गाँव में प्रवेश करते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लाइट जैसे अभी ये बरसात का मौसम अब लग गया है, बरसात का मौसम चलने लगा है, तो बाकी पानी गाँव में जमा ना हो, कहीं पर गंदगी ना मचे, गंदा पानी जमा ना हो, जैसे कीचड़ मिचड़, लोग बीमार ना हो, तो इसके लिए क्या कुछ आपका प्रयास है? इसका प्रयास मेरा पहले से भी जारी है, और आप कहीं गांव में बात करेंगे तो बता देंगे लोग। मैं अपने खुद के ट्रैक्टर ट्रॉली से ऐसे गड्ढों में मिट्टी डलवाता आ रहा हूँ पहले से, और मेरी कोशिश रहेगी के शासन से तो मैं लाऊंगा ही, और अगर कोई समस्या है तो मैं अपने खुद के पैसे से कल भी किया और आज भी करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। और ऐसी स्थितियां हैं कई जगह, तो मैं चाहूंगा कि दोबारा आप कभी हमारे यहां पधारें तो आप खुद बताएं और दिखाएं लोगों को, ये समस्या रहने नहीं दूंगा। तो देखिए प्रधान जी का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें पहले से भी व्यवस्थाएं करवा रखें, ताकि कहीं पर गंदगी जमा ना हो, गंदा पानी ना जमा हो, ताकि लोग बीमार ना हो, लोगों को आने जाने में समस्या भी पैदा ना हो। तो बाकी अब कुछ वृक्षारोपण की भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कितना क्या वृक्षारोपण करवाने का प्लान है आपका? अब वृक्षारोपण का आपने बड़ा अच्छा पूछा है। हमारे यहाँ जो दोनों पहाड़ियाँ लगी हैं, इस पे सरकारी ज़मीन है, तो कोई योजना के तहत, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और मुझे ध्यान कराया। मैं चाहूँगा कि दोनों पहाड़ हमारे हरे भरे हों, और कोशिश रहेगी कि हरे भरे ही होंगे, एक कैसे भी करके हम लोग उसको करवाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। अच्छा, बाकी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, तो लगभग अभी कितने बने जा चुके होंगे? वैसे हमारी पंचायत में मैं देख रहा हूँ कि कुछ वंचित हैं लोग, कुछ कारण रहे, जो भी कारण रहे हों, तो जिन गरीबों के नहीं बने होंगे वो आप ये मान के चलें कि मैं किसी भी कीमत पे हर घर में शौचालय आपको देखने को मिलेगा, जो भी बाकी लोग हैं। लगभग कितना प्रतिशत अभी बने होंगे या छूटे हैं, ताकि और कितना क्या अभी लोग प्रयोग में ला रहे हैं? प्रतिशत का आंकड़ा क्लियर तो नहीं बता सकता, फिर मेरा ऐसा अंदाजा है कि 50 से आसपास ही बने होंगे, 50% कमी है वो पूर्ण होगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीणों को लोगों को आदत होती है कि बाहर जाने की, तो अभी लोग यूज कर रहे हैं, या फिर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि घर का ही शौचालय प्रयोग करें या क्या कुछ? ये भी बढ़िया पॉइंट है, मैंने देखा और सुना है, देखा तो नहीं, अभी तक जाऊंगा मैं घर घर देखने। कई जगह लोग खुले में जा रहे हैं और घर में शौचालय यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन भी करूंगा और समझाऊंगा भी कि आप अपना यूज करें, और उसको मैं ये मान लो चालू करवा के ही मानूंगा, बाहर किसी को नहीं जाने दूंगा। नहीं बने होंगे तो बनवाऊंगा, और जो यूज नहीं कर रहे हैं उनसे यूज करवाऊंगा। अब जैसे जो लोग गरीब लोग हैं, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो उनके लिए आवास जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो आप किस तरह से आप उनके लिए प्रयास करेंगे आवास दिलवाने की? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी पिछले टाइम में हमारे यहाँ MP में सभी जगह आए, हर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में, मेरी एक कोशिश थी और उस कोशिश को मैं पूर्णता कर भी पाया। 181 मैं ऊपर से माननीय सिंधिया जी से मिलकर और उनसे निवेदन करके लाया था, तो 181 पूर्ण तरीके से आ चुके हैं, बनेंगे, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी बने। बाकी जो लोग रह गए होंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं एक ही झटके में शायद जो लोग बचे होंगे उनको पूर्णता बनवाने की कोशिश करूँगा। बाकी अब किसान की बात करें, तो किसान भी काफ़ी परेशान होते हैं, कुछ सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती है, तो भाई योजनाओं के उनके पास अभाव रहता है, जानकारी उनको नहीं हो पाती प्रॉपर, तो उनका सीधा वो लाभ भी नहीं उठा पाते। तो आप क्या किसानों को संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप उनको जोड़ना चाहेंगे कि ताकि वो सीधा योजनाओं का लाभ उन किसानों को मिले? ये बहुत अच्छी बात है, किसानों को जो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या योजनाएं हैं, क्या चल रही हैं, उसको मैं पूर्णता पंचायत में ही नहीं, मैंने आपको बताया मैं प्रदेश लेवल से बैठा हूं, प्रदेश सदस्य हूं, तो मेरी ये कोशिश है, और मैं केवल प्रधानी तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं। आप सबका और गाँव वालों का आशीर्वाद रहा और अच्छा काम किया, तो मैं बहुत आगे जाने की कोशिश हर आदमी करता है, मैं भी करूँगा। तो किसानों के बारे में, मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कितनी परेशानियाँ होती हैं किसान को, उन मुद्दों को मैं प्रदेश लेवल पर भी
उठाऊंगा और अपनी पंचायत में जो लोग वंचित हैं, केसीसी हो, सूर्य लाइट हो, कुआ का काम हो, जो भी मेड़बंदिया वाले काम हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा कहीं से भी कैसे करके लाऊं और अपने लोगों को लाभ दिलाऊं। अच्छा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप इस पंचायत को आप काफ़ी लंबे समय से भी देख रहे हैं, तो काफ़ी क्षेत्रों को भी आप देखें, तो शिक्षा की क्या कुछ यहाँ पे स्थिति है? शिक्षा की स्थिति हमारे यहाँ फिलहाल तो ठीक है, पर कुछ मास्टरों की कमी बता रहे हैं लोग बाग। पिछले टाइम में मैंने कोशिश भी की थी, एक ट्रांसफ़र हुआ था उसको रुकवाया था, पहले से ही कमी थी इसलिए। और हमारे यहाँ अभी हाई स्कूल है, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ गांव आपको भी और गाँव वालों को भी कि कोशिश मेरी ये है कि हाई सेकेंडरी जो एक आ रहा है घाटी नीचे, वो 100% मेरी ही पंचायत में आएगा, क्योंकि मेरी पंचायत से क्षेत्र जुड़ा है, बड़ी पंचायत है, पूरे ब्लॉक में मैं शायद दूसरे नंबर की जनसंख्या का हमारा पंचायत है। तो हाई सेकेंडरी स्कूल भी लाऊंगा और जो मास्टरों की कमी है कैसे भी करके मैं वो पूर्ण करूंगा। अच्छा, और किन किन का आप सहयोग लेना चाहेंगे ताकि शिक्षा की स्थिति है जो बेहतर हो सके? सहयोग तो मैं चाहूँगा कि अपने, वैसे सबसे बड़ा सहयोग शिक्षा में घर परिवार का ही होता है, तो उन लोगों से मैं भी संपर्क करूंगा और अपने बच्चों को मैं फिर बार बार पिछले टाइम में भी कहता रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, भले ही आपको मेहनत मजदूरी करना पड़े या ज़रूरत पड़े तो मैं खड़ा हूं, मैं सहयोग करूंगा। अगर किसी को दिक्कत है, पढ़ नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत है पैसे की, तो मैं दूंगा। और घर वालों को भी सोचना चाहिए, बेटी की शादी में खर्च करें ना करें, बच्ची और बच्ची की पढ़ाई में ज़रूर, कर्ज उठा के भी करना पड़े तो ज़रूर करें, और मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। कोई भी बच्चा अगर हमारा पढ़ाई में कमज़ोर पैसे की वजह से पीछे हट रहा होगा तो नहीं हटने दूंगा, मैं लगाऊंगा। अच्छा, बाकी अब युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे बेरोजगारों के लिए जो अपनी शिक्षा कम पूरी कर चुके हैं? अब बेरोजगारों की आपने बात छेड़ी है, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं प्रधान हूँ, पर मैं जितने सम्माननीय माननीय नेताओं से जुड़ा हूँ ये बात मैं उन तक भेजूँगा, और कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र में भी कोई ऐसा, हमारी पंचायत में ही आए, मैं तो ये चाहूँगा कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई रोज़गार, जिससे कि हमारे युवा जो आज बाहर काम करने जाते हैं वो क्षेत्र में ही रहें और क्षेत्र की उन्नति हो और हमारे युवाओं की उन्नति हो, ये कोशिश मैं करूँगा, ऊपर तक बात रखूँगा। आपने बढ़िया सवाल किया, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं महिलाओं की, ग्रामीण क्षेत्र है, पर्दा प्रथा आज भी चलती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि ताकि उनको भी रोज़गार से जोड़ा जा सके? ये अच्छी बात है, हमारे पंचायत में चंदेरी चूकी साड़ी का काम चलता है, क्षेत्र पूरे भारत में क्या विदेश तक माल जा रहा है चंदेरी साड़ी का, तो मेरे यहाँ भी बुनकर भाई रहते हैं कुछ, तो मैं चाहूँगा कुछ बीड़ी का भी काम हमारी महिलाएं करती हैं, और मैं कोशिश करूंगा महिलाओं को कोई ऐसे रोज़गार से जोड़ूं घर घर कि वो अपना जीवन यापन उसमें अपने घर बैठ के ही करें, ये मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को मैं आगे लाने की कोशिश रहेगी मेरी पंचायत में। तो देखिए, ये है अभी प्रधान जी से जो अभी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि लगातार विकास को लेकर प्रयास उनका रहेगा, जारी रहेगा, और आगे क्या कुछ करने वाले और कितनी क्या कोशिश कर रहे हैं वो उन्होंने साफ तौर पे बताया। और जहां तक है कि लोगों को सीधा जो शासन द्वारा जो तमाम योजनाएँ चलाई जा रही हैं सीधा उन तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम और भी गांव ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।